कुरसेला थाना क्षेत्र के SS-77 पर शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे डुमरिया चौक के समीप दो बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज। मिली जानकारी के अनुसार घायल मोहम्मद सलीम उम्र 24 वर्ष बरहरा जमालपुर निवासी कुरसेला की ओर से अपने परिवार बच्चे पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी बीच सामने से आ रहे एक तेज गति से बाइक सवार को देखकर उसने बाइक रुकते रुकते सामने से आकर ठोकर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठी पत्नी दो बच्चे सड़क पर गिर पड़ा। जैसे ही कुरसेला पुलिस को सूचना मिली, मौके पर थाना अध्यक्ष गुड्डू कुमार पहुंचकर कुरसेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमरलाल ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बाइक चालक को रेफर कर दिया। वहीं धक्का मारने वाले बाइक चालक फरार हो गया। कुरसेला पुलिस बाइक जब्त कर थाना लाई। वहीं बताते चले कि पत्नी दो बच्चे बाल बाल बच गए। कैसे घटना घटी? इन्ना समय सब परिवार जा रही है, उन्ना समय आदमी बगल से साइड से धक्का दे दिले। कौन धक्का मारा? मोटरसाइकिल वाला। आप लोग कौन चीज थे? मोटरसाइकिल सर। ये कितना आदमी था? हमें तीन आदमी रही, हमारे अकेला रहे। तीन आदमी नाम चाहिए, चार आदमी रही, हमें दो बच्चा रहे, दो जीप रही है। मोटरसाइकिल आगे से आया, सामने से मार दिया। गाड़ी खराब हो गई, वहाँ भी मारे धक्के। आपका गाड़ी खड़ी गाड़ी मारा धक्का? एकदम खराब हो गई गाड़ी। आपका नाम? जाहो खातून। जो घायल हुआ कौन है आपके पति के? क्या नाम उनका? मोहम्मद समी मालम। हाँ, समी मालम।